हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बताएंगे आपको सर्कल शेप में आप ग्रेनाइट को कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही इजी तरीका है लगाने का, जैसा कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पे सर्कल में पूरा ग्रेनाइट लगाया जा रहा है, ठीक है। अब चलिए दूसरे एंगल से हम आपको दिखाते हैं इसको लगाने का मेथड क्या है। ऊपर में ये देख सकते हैं जो ग्रेनाइट लगा है, ये 6-6 इंची का पट्टी काटा गया है, ठीक है। 6-6 इंची विड्थ है इसका, इसलिए है कि जो जितना ही कम विड्थ होगा उतना ही ये बेंड बढ़िया होगा, गोल होगा। तो 6 इंची मिनिमम मान लीजिए। और इसमें क्या हुआ है, एक साइड का उसको चेम्फर कर दिया गया है, मतलब उसको स्लोप टाइप का बना दिया गया, और एक साइड उसका सही है, ठीक है, जो कि दूसरे में जाके चपकेगा। अगर उसको हम स्लोप नहीं करेंगे तो बढ़िया से वो चपकेगा नहीं दूसरे में, ठीक है, क्योंकि तब वो सर्कल बन ही नहीं पाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक साइड इसमें स्लोप बना हुआ है, जो पहला वाला ग्रेनाइट है, जो दूसरा लगाने जा रहे हैं वो पूरा प्लेन है। अब ये इसमें क्या होगा, इसको हैकिंग कर देना होता है, जो ग्रेनाइट का हिस्सा चपकेगा, और प्लास्टर जो है वो तो ऑलरेडी रफ है। इसको हैकिंग करने के बाद इसमें प्लास्टर, जो इसमें मसाला बनाया गया है चिपकाने के लिए सीमेंट का, उसे इसमें लगा देना है, ठीक है। लगाने के बाद इसको फिक्स कर देना है, जैसा कि आप देख सकते हैं इस मसाले को इसमें रख दिया गया। और इसका लेवल थोड़ा सा अगर डाउन है, या डाउन ही होगा जाहिर सी बात है, थोड़ा छोटा ही रखेंगे, तो उसके नीचे एक पट्टी डाल के इसके लेवल को इसे मैच कर किया जाएगा। और ये जो स्लोप्ड एरिया है, जो स्लोप इसका एक हिस्सा है, वो जाके इसके इस वाले हिस्से में चपक जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस ग्रेनाइट के आगे वाला हिस्सा भी उसी तरह से स्लोप किया गया है जैसा कि पीछे वाला है, ठीक है। तो मतलब एक स्लोप रहेगा और दूसरा अपना सीधा रहेगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। एक एक करके हम दिखा रहे हैं, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप देख सकते हैं पूरा सर्कल में कितना बढ़िया तरीके से ग्रेनाइट को लगा दिया गया है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।